नमस्कार मित्रमंडळी, कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया था मैं इस टाइम लैप्स के चक्कर में, जिसका अभी अभी आपने लुफ्त उठाया है। तो हो गई दिन की शुरुआत, तो देखते हैं आगे का दिन कैसे गुजरने वाला है, और कोशिश करूँगा कि आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग की तरफ। तो गाइज़, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो अभी बजे सुबह के 7:30, तो इसी के साथ दिन के कार्यक्रम का शुरुआत की जाए। तो अभी हम पियेंगे चाय, लेकिन दोस्तों खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो हम कुछ अलग चाय पियेंगे। इस स्पेशल टी का नाम है जिंजर लेमन हनी टी, और ये नॉर्मल टी से अलग होती है, तो इसके फ़ायदे मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो चलिए तब तक के लिए बनाते हैं हम चाय। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि चाय बनकर रेडी हो चुकी है, तो गाइस मैं आप सबको इस चाय के बारे में कुछ फ़ायदे बताना चाहूँगा। जैसे कि इस चाय का सेवन करने से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, और अगर आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ वगैरह है तो वो भी दूर करेगी, और आपकी स्किन ग्लो और हेल्दी रखने में मदद करेंगी। तो कुछ कोल्ड और फ्लू में भी ये चाय मदद करती है, और इस पैंडेमिक सिचुएशन को अगर आपको टैकल करना है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस चाय का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, तो चलिए इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। चीयर्स। तो गाइस, अभी चाय पीने के बाद बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, और कुछ बड़ा करने का मन कर रहा है, मेरा मतलब है वर्कआउट से। लेकिन सच बताओ गाइस, तो मेरा वर्कआउट अगस्त 19 से बंद है बिकॉज ऑफ माय शोल्डर इंजरीज। लेकिन आज वीडियो के लिए कुछ करना तो बनता है, तो चलिए कुछ करते हैं वर्कआउट। गाइस, अभी अभी मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ है, आप देख ही सकते हो मैं कितनी बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो भी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, आज सिर्फ 20 से 25 मिनट वर्कआउट किया होगा, तो भी बहुत हालत ख़राब हो गई है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस, जस्ट मैं शॉवर लेके आया हूँ अभी वर्कआउट ख़त्म होने के बाद। तो अब हम करेंगे हमारा फेवरेट पार्ट, जो कि है प्रोटीन ड्रिंक्स। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ऑन का वे गोल्ड पड़ा हुआ इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत महीनों से मैंने इसे हाथ नहीं लगाया है, तो देखते गए एक्सपायर तो नहीं हो गया है। चलो कुछ अभी टेंशन नहीं है, एक्सपायरी बहुत दूर है, 21 मार्च तक है, तो अभी उसके लिए बहुत समय एक्सपायर होने के लिए। तो अभी हम बनाते हैं प्रोटीन ड्रिंक्स और उसके मज़े लेते हैं। तो रेडी हो रहा है हमारा प्रोटीन ड्रिंक। इस वीडियो में आप कुछ गलत मत सोचना पिछले वाली जैसे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद प्रोटीन खत्म करके। गाइस, प्रोटीन पीने के बाद अब लगभग आधे घंटे के ऊपर हो गया है, तो देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है स्पेशल है। तो आज नाश्ते में है कांदा पोहा। तो गाइस, इसमें मेरा फेवरेट पार्ट है जो चना मसाला ऊपर से डाला हुआ है वो एक, और उसमें जो ग्राउंड नट्स होते हैं शेंगदाने कहते हैं उसे, वो बहुत फेवरेट है मेरे। तो चले शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। गाइस, जस्ट ब्रेकफास्ट खत्म किया है मैंने, बहुत मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके। तो चलिए कुछ न्यूज़ स्क्रॉल कर लेते हैं, देखते हैं फिलहाल इस पैंडेमिक सिचुएशन में देश भर में क्या हालचाल चल रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि हम लोग ने अभी न्यूज़ देखा, तो न्यूज़ पर ज़्यादा कुछ था नहीं, वही रेगुलर कोरोना की न्यूज़, और अभी 2 दिन पहले साइक्लोन हुआ तो उसके बारे में न्यूज़ थी। तो हम कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन में हमें एक एडवांटेज हो गया है कि हम रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ वगैरह देखने लगे हैं, जो कि हम पहले नहीं करते थे। वैसे ही कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो गए इस लॉकडाउन के। एडवांटेजेस से अगर स्टार्ट करेंगे तो कह सकते हैं कि हम लोग पहले से ज़्यादा क्लीन और हाइजीन रहने लगे हैं। देन बात आती है नेचर की, तो एयर पोल्यूशन लगभग ख़त्म हो गया है,
और नेचर ऑलमोस्ट हील होने की कगार पर है, और वैसे ही हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर आके थोड़े हमें पता लगा है कि रिलेशनशिप्स भी कुछ मैटर करते हैं। इसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खोई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है इस सिचुएशन में। तो क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा है खाने पीने के लिए। कुछ लोग तो अपनी डेली नीड्स है वो भी पूरी नहीं कर सके, उनको पूरी तरह एनजीओस या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की हेल्प पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। और वैसे ही बहुत से लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है घर पर बैठ बैठ कर, और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं सिचुएशन में, गवर्नमेंट पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, और पेशेंस रखो, अपने सेफ्टी का ख्याल रखो, और क्या कह सकते हैं इसमें। सो गाइस, कैच यू इन सम टाइम एट द टाइम ऑफ लंच। गाइस, बात करते करते मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी बजे दोपहर के एक, तो अभी लंच टाइम हुआ है, लेकिन आज कुछ नॉर्मल खाना खाने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि डेली बेसिस पर वही खाना खा रहा हूँ। तो आज कुछ हम ऐसा खाएंगे जो सिर्फ 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, वो है आपके और मेरी फेवरेट मैगी। सो गाइस प्लीज वेट, वी विल बी बैक इन 2 मिनट्स। तो गाइस मैं मैगी लाने गया था लेकिन मैगी अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे इप्पी से ही काम चलाना पड़ रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो चलिए, क्या फ़र्क पड़ता है, इप्पी तो इप्पी नूडल्स की बात थी। तो अभी हमने बनाई है मैगी, लेकिन बनाने में 10 मिनट लग गए। ये कंपनी से खोखले दावा करती है कि 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है मैगी। तो चलिए, क्या फ़र्क पड़ता है, साथ में मिलकर खाते हैं मैगी, आ जाओ। गाइस बहुत टेस्टी बनी थी मैगी, इसलिए कहता हूँ कि कभी अगर आपको चांस मिले तो मेरे हाथ की मैगी ज़रूर खाना, मज़ा करो। गाइस मॉम ने बनाई थी इसलिए बहुत टेस्टी बनी थी मैगी। गाइस बहुत नींद आ रही है क्योंकि आज ज़्यादा ही कुछ जल्दी उठ गया था, सुबह टाइम लैप्स निकला था इसलिए। तो अभी बजे लगभग 3:45, तो 4:30 पौने 5 तक आधे पौने घंटे के लिए थोड़ा एक पावर नैप ले लेते। गाइस इस पावर नैप के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही सो लिया, हो गए है 6:15, मुझे उठना था 4:30 बजे। एक मिनट, मुझे उठना था 4:30 बजे लेकिन मैं उठा हुआ अभी 6:30 बजे। तो पावर नैप के चक्कर में पूरी नींद कंप्लीट कर ली है मैंने। तो अभी कुछ काम तो नहीं, तो जाते टेरेस पे कुछ क्लाउड्स वगैरह के टाइम लैप्स वगैरह लेते हैं। गाइस टेरेस पर तो गया था मैं लेकिन ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि बीच बीच में बारिश वगैरह आ रही थी। सिर्फ टाइम लैप्स शूट किया है वो आप देख लेना अभी। तो बहुत तेज़ भूख भी लगी थी क्योंकि आप लोगों ने देखा कि दोपहर में सिर्फ मैंने मैगी ही खाई थी, तो तेज़ भूख लगनी जायज़ थी। तो अभी स्नैक्स में कुछ बनाते हैं, कैपेचिनो वगैरह। तब तक के लिए आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए इन 3, 2, 1। I'm just sitting here, I got time. तो गाइज ज़रूर बताना आप सबको ये टाइम लैप्स कैसे लगा, और हमारी कैपेचिनो भी हो गई है तैयार, बहुत टेस्टी बनी है। बिकॉज़ इस लॉकडाउन में मैंने बहुत अलग अलग तरह के कॉफ़ीज़ वगैरह बनाने सीखी है, तो उनमें से भी ये एक कॉफ़ी है। और ऐसे अलग भी एक कॉफ़ी है जो फिलहाल ट्रेंडिंग में बहुत चल रही है, उसका नाम है दलगोना कॉफ़ी। तो आने वाले व्लॉग में मैं शायद उसका प्रिपरेशन आपको दिखाऊँ, तब तक के लिए आप इस कैपेचिनो का प्रिपरेशन देख लीजिए मैंने कैसे बनाई है। सो गाइस कैसे लगे आप सबको ये शॉर्ट्स कैपेचिनो कॉफ़ी के। ऐसे ही लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था तो मैंने अलग अलग कॉफ़ीज़ प्रिपेयर करके देखे क्योंकि मैं कॉफ़ी लवर हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको आने वाले ब्लॉग्स में मैं इसका प्रिपरेशन पूरी तरह दिखाऊंगा, तो अब बचा है सिर्फ डिनर पूरे दिन के स्केड्यूल में। तो मिलते हैं डिनर के टाइम पर। दोस्तों आप सभी ने मेरा पूरे दिन का स्केड्यूल देखा, तो अभी सिर्फ डिनर ही बचा था। मैंने कहा था आपको कोई डिनर दिखाऊंगा लेकिन उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, यही जो मैंने खाया अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये कह सकते हैं कि लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट है जो कि हर एक एज ग्रुप का बंदा खा सकता है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं उसमें। और एक बात, सोने से पहले मैं 1 कप हल्दी का दूध पीना प्रेफर करता हूँ बिकॉज टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी। और ये बहुत से अलग अलग बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट भी रहते हैं इसमें,
तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको टैकल करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो दोस्तों दिन का शेड्यूल यहीं पर ख़त्म होता है, तो हम ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका दिन का शेड्यूल भी सेम है मेरी तरह या कुछ अलग है उसमें, कुछ इंटरेस्टिंग बात है उसमें। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू गाइज इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे ट्यून। धन्यवाद।